हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो थाईलैंड एशिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कैनबिस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। इसके पीछे जो एम है वो है कि एग्रीकल्चर और जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट किया जा सके। और जैसे ही थाईलैंड ने इसे डिक्रिमिनलाइज किया है तो अब ये क्राइम नहीं है थाईलैंड में कि अगर कोई कैनबिस को ग्रो करता है या फिर ट्रेड करता है या फिर किसी इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो अब एक क्राइम नहीं है थाईलैंड में। 2018 की बात करें तो कनाडा जो है G20 की पहली कंट्री बन गया था जिसने जो कैनबीज है उसको लीगलाइज करा था। उरुग्वे ने भी 2013 में इसे लीगलाइज कर दिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो कंट्रीज जो है अब धीरे धीरे इसको लीगलाइज कर रही हैं। कैनबीज जो है वो एक तरह की ड्रग्स होती है, एक साइको एक्टिव ड्रग्स होती है ये। तो इसके यूज़ पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ताकि बहुत ही फ्रीली इसका यूज़ ना किया जा सके, बट कंट्रीज जो है अब धीरे धीरे इसको लीगलाइज कर रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।